क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर ने बुधवार को सेगांव पहुंचकर विधायक निधि से लाखों रुपयों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया है। देवी श्री लालभाई फूलभाई माताजी मंदिर सेगांव में 6 लाख की लागत से बनने वाले सभा मंडप का और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 लाख की लागत से बनने वाले सीसी रोड और मुक्तिधाम टिन शेड लागत 5 लाख का लोकार्पण विधि विधान पूजा अर्चना और फीता काट कर किया गया। स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल एक्सरे मशीन की मांग रखी गई, जिस पर विधायक डावर द्वारा जिला कलेक्टर और सीएमओ से मोबाइल पर चर्चा कर उपलब्ध कराने की बात कही। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ग्राम सेगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पहुंच मार्ग के लोकार्पण अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ आदरणीय बोधर सिंह काका जी, सरपंच साहब, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजन भाई, उप सरपंच साहब, जनपद पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष ओम भाई, दिनेश भाई, दया भाई, पंडू भाई, मांगीलाल भाई, राकेश भाई, संजय भाई, संजू भाई और उपस्थित सभी हमारे जनपद के साथी सरपंचगण, तो यहाँ क्लिनिकल आपका जो स्टाफ है, आपका जो डॉक्टरी स्टाफ है या नर्स स्टाफ है, मैं सबसे कहना चाहूंगा तो ईमानदारी से यहाँ की समस्याओं को पूरा करने में सहयोग करें, जो कमी है वो बताएं, कमी है गलती हुई तो उसको स्वीकारें। रात दिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ब्लॉक में आते हैं, जितने मरीज आते हैं, आपने 25,000 ओपीडी की बात कही, लगभग आधे लोगों से हम संपर्क में हैं। हम सब जानकारी यहाँ की रखते हैं कि यहाँ आपको क्या सुविधाएं मिल रही है, कितनी देर में मिली है, आपके यहाँ पे मेडिसिन आ गई, पिछले दिनों यहाँ पे मेडिसिन नहीं थी, लोग लाइन में लगे थे, और आपका जो यहाँ स्टाफ है, मैं कहना चाहूंगा, माइक पे नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उनका व्यवहार मरीजों के साथ ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। अस्पताल भगवान के बाद अस्पताल ही एक मरीजों के लिए, आम जनता के लिए भगवान के रूप में देखा जाता है। दवाई से ज्यादा आपकी भाषा से ही आदमी आधा ठीक हो जाता है, ये मैं समझता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।